और फ्रेंचाइजी आके अपना बिजनेस का डिस्कशन कर सकते हैं एंड थैंक यू सो बाइक दोस्त से ज्यादा टू व्हीलर सर्विस सेंटर का बिजनेस पूरे इंडिया में कैसे चलता है ये मैं आपको बताऊंगा अपना सेवेंटी फाइव परसेंट फोकस इस पे होगा कि टू व्हीलर का सर्विस सेंटर का जो बिजनेस है वो पूरे इंडिया में कैसे चलता है और कैसे आप आपके अपने खुद का टू व्हीलर सर्विस सेंटर हमारे साथ जुड़ के चालू कर सकते तो बाइक दोस्त की फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी आपको लास्ट में बताऊंगा सो so, आपको ये एवर ग्रोइंग बिजनेस मॉडल क्यों है रिसेशन प्रूफ क्यों है कोरोना प्रूफ क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा आपको अगर आपका वर्कशॉप चालू करना है तो आपको क्या क्या चीजें लगेगी ऑल द टूल्स एंड थिंग्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट योर ओन वर्कशॉप ये हम बताएंगे और लास्ट में हम एक फ्रेंचाइजी मॉडल पे डिस्कस करेंगे तो जैसे सर ने बताया पूरा वेबिनार आप एंजॉय करिए कुछ नहीं तो एटलीस्ट आप यहाँ से बाइक सर्विस का पूरा बिजनेस मॉडल समझ के जाएंगे अबाउट माई सेल्फ आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर बाय एजुकेशन आई स्टूड फर्स्ट फ्रॉम 55,000 स्टूडेंट्स 55,000 स्टूडेंट्स में से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में मैं फर्स्ट आया था मैंने मेरा फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया जो एक हीरो मोटरसाइकिल का डीलरशिप है जिसका नाम है ऑटोलिंक हीरो करके ये मैंने 2010 में ज्वाइन किया था

सर्विसिंग करते हैं और ये बाइक so, uh, uh, हूँ so, uh, सर ने बताया थर्टी थर्टी फाइव मिनट का वेबिनार होगा आप जो भी आपके क्वेश्चन आप लिख के रखे पेपर पे आपके सारे डाउट्स को हम आंसर करेंगे वेबिनार के एंड में पंद्रह बीस मिनट का क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा एंड स्टे टिल द एंड यहाँ पे एक ब्यूटीफुल आफ्टरनून में आप यहाँ पे वेबिनार के लिए आ गए तो आप एंड तक आप हमारे साथ रहिए तो शिवम कुमार जी आपने रेज हैंड किया है तो जैसे मैंने बताया आपके कुछ डाउट तो आप है तो आप साइड में लिख लीजिए हम एंड में क्वेश्चन एंड आंसर लेंगे तो ये मेरा एसोसिएट डीलरशिप है हीरो मोटो का हीरो ब्रांड आपको पता ही है हम 1992 से हीरो के साथ जुड़े और हीरो के जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स है स्प्लेंडर पैशन एच एफ डिल्स मैस्ट्रो प्लेजर ये सारी गाड़ी का हम सेल्स करते हैं सर्विस करते हैं स्पेयर पार्ट्स रखते हैं हम सब करते हैं ये बेसिकली सर्विस सेंटर है जो पूरा आपको छ का वर्कशॉप दिखता है एक टेलीकॉलिंग की टीम होती है जो सेल्स सर्विस फाइनेंस इंश्योरेंस अलग अलग एंगल से कस्टमर को इनवाइट एक सीनियर मैनेजर्स का टीम होता है टेक्नीशियंस का टीम होता है जो डे टू डे बेसिस पे पूरा वर्कशॉप का मैनेजमेंट और टेक केयर करता है एक वॉशिंग का एरिया होता है जहाँ पे वॉशिंग का पूरा प्रोसेस होता है एक स्पेयर पार्ट का डिविजन होता है बहुत सारे कस्टमर्स के लिए वॉशिंग बहुत ही क्रिटिकल एक्टिविटी होता है इसके लिए वॉशिंग का डिपार्टमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जहां पे गाड़ी का वॉशिंग और ड्राइंग और पॉलिशिंग का प्रोसेस होता है ये फर्स्ट फ्लोर पे हमारा सेल्स का सारा डिपार्टमेंट है जहाँ पे सारी नई प्रोडक्ट्स बिकती है जैसे मैंने आपको बताया और स्प्लेंडर और ये सारी और हीरो खुद एज ए कंपनी लास्ट उन्नीस बीस साल से ग्लोबली वर्ल्ड नंबर वन रह चुकी है इनके साथ हम तीस साल से जुड़े हुए ये मेरी सेल्स की टीम है जो बेसिकली पूरा

आप अगर डालने जाओ तो वर्कशॉप भी मिनिमम से मिनिमम आप पकड़ के चलो वर्कशॉप भी आपको आराम से तीस पैंतीस लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में होती है तो हमने एक मल्टी ब्रांड का जो ये मॉडल बनाया हुआ मल्टी ब्रांड के मॉडल में बेसिकली पैन इंडिया मल्टी ब्रांड टू व्हीलर वर्कशॉप आप इतने कम प्राइस में आप स्टार्ट कर सकते हो कि जिसमें आपका सारी गाड़ियों का सर्विस आप कर पाते हो और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डेवलप हो जाता है तो ये बाइक दोस्त का बिजनेस मॉडल है बेसिकली ये स्लाइड्स आपको दिखाने का यही पर्पज था कि कौन से कौन से डिपार्टमेंट एक टू व्हीलर वर्कशॉप के अंदर आते हैं सो कंटेंट्स में हम वापस टू व्हीलर सर्विस लेआउट की बात करेंगे मार्केट साइज और पोटेंशियल की बात करेंगे मार्केट में क्या प्रॉब्लम चालू है आज के तारीख में टोटल बिजनेस मॉडल क्या है और लास्ट में बाइक फ्रेंचाइजी मॉडल की बात करेंगे सर्विस लेआउट की मैं बात करूँ तो इंडिया में सबसे ज्यादा टू व्हीलर का प्रोडक्शन होता है वी आर तो द वर्ल्ड नंबर वन कंट्री इन टर्म्स ऑफ टू व्हीलर प्रोडक्शन लोग बार 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 अपना बाइक का सर्विस करवाते हैं कोई दो महीने में करवाते हैं कोई तीन चार महीने कोई छह महीने में एक बार करवाते हैं छह महीने के ऊपर तो कोई जाता नहीं है छह महीने में एक बार तो करवा नहीं पड़ता है तो इसके लिए ये पोटेंशियल बहुत अच्छा है जो भी ब्रांड्स है वो नई 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 गाड़ी लेके आते हैं नई नई गाड़ी वो लोग लॉन्च करते रहते हैं तो कंटिन्यूस बेसिस पे गाड़ियों का प्रोडक्शन चालू होता है तो इसके वजह से आपको पूरा ये बेनिफिट हो जाता है और कस्टमर के लिए एक पेन एरिया है कस्टमर ऑथोराइज वर्कशॉप पे अपने फ्री सर्विस तक चला जाता है फ्री सर्विस के बाद वो अपने आजू बाजू एरिया में लोकल गराजेस में अः ऑप्शन ढूंढ लेते हैं वहां पे अपना सर्विसिंग चालू कर देते हैं टू व्हीलर लैंडस्केप की अगर मैं बात करू तो आज के तारीख में इंडिया में पच्चीस करोड़ टू व्हीलर है जो दो तक चालीस करोड़ तक जाने की संभावना है इसके काफी रीजन है मेट्रो सिटीज में जो ट्रैफिक का कंजेशन बढ़ रहा है गीक इकोनॉमी हो गया मतलब स्विगी जोमेटो फ्लिपकार्ट स्नैपडील डूसो वोगो बाउंस ये सारी जो कंपनी इनकी मोटा मोटा चार करोड़ गाड़ियां आगे बढ़ने वाली है स्मार्ट सिटी कंसेप्ट है जो हमारे गवर्नमेंट का टीए टू टीए थ्री लोकेशन डेवलप हो रहे बढ़ रहे हैं और बहुत सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है और कोरोना का जो इफेक्ट है जो अगले छह आठ महीने एक साल तक और रहेगा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बिलीव ना करके अपनी खुद की गाड़िया अभी भी परचेस कर रहे हैं पर्सनल मोबिलिटी के हिसाब से डिपेंडेंसी क्रिएट हो रही है तो ये टू व्हीलर लैंडस्केप ये हिसाब से बढ़ना ही बढ़ना है टोटल टू व्हीलर पॉपुलेशन की बात करूं जैसे मैंने बताया पच्चीस करोड़ एक आदमी साल में तीन सर्विस के एवरेज करवाता है तो पचहत्तर करोड़ सर्विस होती है पचहत्तर करोड़ सर्विस में अगर हजार रुपए का भी बिल बनता है जो प्रैक्टिकली है तो पचहत्तर हजार करोड़ का ये मार्केट है सेवेंटी फाइव थाउजेंड करोड़ का ये टोटल टर्न है महीने में सवा करोड़ सर्विसेज होती है सवा करोड़ में अगर मैं एक लाख दस हजार वर्कशॉप भी पकड़ता हूँ अप्रोक्सीमेटली पच्चीस हजार ऑथोराइज वर्कशॉप होंगे और आप पकड़ के चलो के साढ़े एटी फाइव थाउजेंड के आसपास मल्टी ब्रांड वर्कशॉप होंगे सो बेसिकली ये ये अगर आप, uh, अगर इसमें ये आप आप इसमें पकड़ के चलो तो सर्विस पोटेंशियल पर चार सौ से पांच सौ होता है और ये सर्विस पोटेंशियल कंपैरिजन में अगर आप एक मल्टी ब्रांड आउटलेट डालते हो तो ढाई सौ से तीन सौ गाड़ी आपको एक महीने में आ सकती है एक महीने में अगर आपका वर्कशॉप ढाई सौ गाड़ी पे भी पहुंच जाता है तो भी आपको सारे खर्चे निकालने के बाद आपका रेंट आपकी सैलरीज आपका अगर आपने लोन लिया तो उसका ई सब कुछ आ गया ये सब कुछ माइनस करने के बाद भी सेवेंटी ये प्रैक्टिकल फिगर्स है ये रियलिस्टिक फिगर्स है साथ में मैं ढाई सौ गाड़ी एक महीने में नहीं आ जाती है छह आठ महीना एक साल बहुत ही मेहनत करना पड़ता है एक साल डेढ़ साल के अंदर आपको ढाई सौ गाड़ी तक जाना है पर एक बार वो फिगर पहुंच जाता है एक बार वो गुडविल आपके बन जाती है तो सालों साल सालों साल सालों साल वो गुडविल के हिसाब से आप बिजनेस कर सकते हैं और इसमें आपका एनर्जी एफर्ट इन्वॉल्वमेंट इम्प्लीमेंटेशन आपका एंथुजियाजम सारी चीजों की इम्पोर्टेंस होती है और ये हाई ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस है अप्रोक्सीमेटली हजार रुपए के बिल में आपको पांच रुपए मार्जिन मिलता है तो 45 से 50 परसेंट ग्रॉस मार्जिन का ये बिजनेस और एक कैश बिजनेस है ये दो इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है इसमें क्रेडिट नहीं है उधारी सिस्टम नहीं है और ये मार्जिन इसमें बहुत ज्यादा अच्छा जो आज की तारीख में बिजनेस में बहुत ही कम दिखने में है बहुत सारे बिजनेस में मार्जिन पांच साठ टका होता है और प्लस क्रेडिट भी देना पड़ता है इसमें ऐसा नहीं है मार्केट का क्या प्रॉब्लम चालू है ऑथोराइज आउटलेट बहुत ज्यादा चार्जेस कस्टमर से लेते हैं इसके वजह से लोकल मैकेनिक भी बहुत ज्यादा चार्जेस लेना उन्होंने चालू कर दिया है मैंने जैसे बताया कस्टमर ऑथोराइज चैनल पे जाता है फ्री सर्विस करवाता है जैसे ही उसके फ्री सर्विस खत्म होती है पेड सर्विस में वो बाहर चला जाता है सो so, जेन्यूनिटी का प्रॉब्लम है पार्ट्स क्वालिटी का प्रॉब्लम है अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम है ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट फैक्टर का प्रॉब्लम है तो ये सारे प्रॉब्लम आज के तारीख में यहाँ पे चालू है तो ये ऑपरचुनिटी गैप भरने के लिए बेसिकली ग्रोथ ऑपॉर्चुनिटी इसमें बहुत है ये ऑथोराइज और लोकल गराज के बीच में इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी गैप है कि अगले दो तीन साल के अंदर दस बीस वर्कशॉप भी आ जाएंगे तो भी सबको अपने हिसाब से इक्वल बिजनेस मिलेगा और बेस्ट ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होने की जरूरत नहीं है अगर आपको automotive, automotive का knowledge नहीं भी भी है, तो भी आप ये business model के 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 अंदर अंदर, अंदर आ सकते हो और महीने महीने आपको पूरा बिजनेस की जानकारी आ जाती है सो इट इज ऑल अबाउट बिजनेस मैनेजमेंट और ये गैप भरने के लिए बाइक दोस्त एज मॉडल आता है इंडिया स्मार्टेस्ट टू व्हीलर सर्विस सेंटर मैं इंडिया स्मार्टेस्ट क्यों बता रहा हूँ मैं आपको आगे के स्लाइड्स में बताऊंगा टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरा वर्कशॉप चलता है डिजिटली पूरा वर्कशॉप चलता है टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्कशॉप है हर चीज सिस्टम्स एंड प्रोसेस से होती है और बेस्ट इन क्लास कस्टमर सर्विस हम देते हैं ये एक सर्विस डिलीवरी मॉडल है जहाँ पे टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्टैंडर्ड सर्विस एक्सपीरियंस हम कस्टमर को देने की ट्राई करते हैं हमारे कुछ कुछ आउटलेट्स के फोटोज में आपको बताता हूँ दो, बाइक दोस्त का ये जो बोर्ड है ये बोर्ड आपको हमारे तरफ से मिलता है लेफ्ट हैंड साइड पे बाइक लोगो होता है, right पे करके हमारा होता है. हमारे महाराष्ट्र में डीलर है तो हमने हमने उनका मोटर्स करके मराठी में भी लिखा हुआ है बाकी बोर्ड का फॉर्मेट सेम होता है बोर्ड भी आपको हमारे तरफ से आता है फिर एक फुल्ली ऑटोमेटेड फुल्ली हाइड्रोलिक फुल्ली इलेक्ट्रिक वर्कशॉप का पूरा सेटअप हम आपको करके देते हैं आपको 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 40 से से ज्यादा चीजों की पूरी फुल्ली ऑटोमेटेड किट हमारे तरफ है जो 250-300 गाड़ी तक जाने के लिए भी हेल्प करता है सारा ब्रांडिंग आपको हमारे तरफ से मिलता है आपके दीवालों के ऊपर जो जो ब्रांडिंग होता है सब कुछ आपको हमारे से मिलता है तो एक पूरा डेडिकेटेड मॉडल बन जाता है और बहुत ही फैंटास्टिक और एक बहुत ही बेहतरीन आउटलेट आपका बनता है जिसमें कस्टमर को ये मिनी हीरो मिनी होंडा मिनी टीवीएस मिनी सुजुकी वैसा वाला वर्कशॉप लगता है और ये काफी सारा ये मशीनरी हम आपको देते हैं पीआर के एंगल से काफी सारे पेपर्स में एडवर्टाजमेंट भी आता रहता है ओपनिंग का और उसका सो बेसिकली इसमें भी बहुत सारा लीड जनरेशन और उसके एंगल से हमको सपोर्ट होता है एक हमको बहुत ही प्रेस्टिजियस ट्रॉफी और सर्टिफिकेट मिला है फ्रेंचाइजी अप्लाई कंपनी से जिनका हम आज वेबिनार भी अटेंड कर रहे हैं जो एक फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्रेंचाइजी कंपनी इन टू व्हीलर स्पेस ये कैटेगरी में हमको मिला था उन, उसका जो टैगलाइन है इंडिया मोस्ट इकोनॉमिकल मतलब सबसे कम प्राइस वाला स्मार्टेस्ट और सबसे तेजी से बढ़ने वाली टू वे सर्विस फ्रेंचाइजी हमारी है तो ये हमको फ्रेंचाइजी अप्लाई से ट्रॉफी और सर्टिफिकेट मिला था जो अपने आप पे बहुत ही ज्यादा प्रिवलेज है आप हमारे एग्जिस्टिंग आउटलेट्स की बात करें तो वी आर इन बड़ोड़ा पूना कलकत्ता सिलीगुड़ी भिवाड़ी राजस्थान मीरठ बांसवाड़ा झारखंड ग्वालियर जम्मू औरंगाबाद इंदौर मलकानगिरी भवरना सासाराम बागाहा औरंगाबाद केरला लोनावला खंडवा गुरगांव ये सारे जगह पे मेजॉरिटी जगह पे हमारे लाइव स्टोर्स हैं और बहुत सारे जगह पे हमारे अपकमिंग स्टोर्स भी आ रहे कम से कम 22 से 25 लोगों ने साइन अप कर दिया है तो ये साइन अप हमारे साथ आगे बढ़ेंगे तो अगले दो महीने के अंदर हम मिनिमम पंद्रह स्टेट्स में होंगे हम आज की तारीख में दस स्टेट्स में ऑलरेडी है इंडिया के दस स्टेट्स के अंदर बाइक दोस्त का प्रेजेंस आज भी है और आने वाले टाइम में हम पंद्रह स्टेट्स में पहुंच जाएंगे आउट ऑफ स्टेट्स अगर मैं प्रोफाइल की बात करूं कि कैसे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं सो बेसिकली केमिकल इंडस्ट्री इंडस्ट्री का का प्रोफेशनल IT प्रोफेशनल प्रोडक्शन का कंपनी एग्जिस्टिंग बजाज के डीलर लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्पेयर पार्ट के ओनर हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस में काम करने वाले लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑटोमोटिव प्रोफेशनल वेस्पार डीलर बजाज डीलर एजुकेशन बिजनेस तो ये सारे ऑटोमोटिव नॉन ऑटोमोबाइल दोनों एंगल से जॉब करने वाले बिजनेस करने वाले हर एंगल से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे स्पेयर पार्ट एफिलिएशंस की बात करो तो मिंडा एंड्यूरेंस ग्रीव्स बॉश हैला ये सारे लोगों के साथ हमारा एफिलिएशंस है तो ये सारे पार्ट्स को हम प्यक्योर करके आपके पास आपके डोरस्टेप तक लाने का काम करते हैं सर्विस में 3M करके एक ब्रांड है जो ग्लोबल ब्रांड है, है।, है।, है और काफी सारा का भी हमने काम किया हुआ है। हमारे दो मॉडल है हमारा टॉप मॉडल के अंदर आप भारत स्टेज सिक्स जो लास्ट ईयर मार्च 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ था तो जिसमें पूरी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आती है फ्यूल इंजेक्शन की गाड़ी आती है और अभी जो इलेक्ट्रिक का पूरा

फील्ड का एक्सपीरियंस लेके हम बाइक दोस्त में आए हुए हैं तो मतलब बहुत ही तगड़ा सपोर्ट सिस्टम आपको मिलता है हम अगर एथिकल प्रिंसिपल बाउंडेड लोग बेसिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको होना चाहिए ढाई सौ तीन सौ चार सौ पांच सौ स्क्वायर फीट आप ले सकते हो आपको बिजनेस पसंद होना चाहिए ऑटोमोटिव बिजनेस आपको खास पसंद होना चाहिए टेक्नोलॉजी सिस्टम्स प्रोसेस ये सारी चीजें आपको पसंद होनी चाहिए आपका एक रीजनेबल फाइनेंशियल बैकग्राउंड होना चाहिए और थोड़ा बहुत लॉस करने की कैपेसिटी होनी चाहिए इनिशियली तीन छह महीने के अंदर इसमें ऑटोमोटिव लॉस भी होता है जिसमें आपका एक ब्रांड बनने तक गुडविल बनने तक आपका एक लेवल आने तक थोड़ा बहुत लॉस भी होता है और सबसे मेन है कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड हमारे लिए सब चीज बाद में कस्टमर अपने लिए पहले ये एटीट्यूड से आने वाले लोग हमको चाहिए क्योंकि हमारा ये इंटेंशन है कि कितना जल्दी आप आपके आउटलेट से पचास हजार से एक लाख रुपए कमाने लगो सारे खर्चे निकालने के बाद तो इसके लिए हम बहुत ज्यादा एफर्ट डालते हैं इसके लिए हमको पूरा वैसे ही टाइप के चैनल पार्टनर चाहिए अगर आप माइकड आउटलेट की बात करो तो इनिशियल पेपर वर्क आपको हमको मिल करना पड़ता है फिर आपको लोकेशन ढूंढना पड़ता है लोकेशन ढूंढने में हम आपकी हेल्प करते हैं आपका साइट सेटअप आप और हम मिल करते हैं फिर आपका टूल्स मशीनरी बोर्ड ब्रांडिंग स्टेशनरी मैन पावर ट्रेनिंग ये सारी चीजें हम करते हैं आपका टोकन आने के बाद इनोग्रेशन 20 से 25 दिन के अंदर हो जाता है और जगह जो आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जगह आइडेंटिफाई करने के लिए जो की पैरामीटर्स है ये है कि आपके आजूबाजू दो किलोमीटर में बहुत ही ज्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए मार्केट्स होना चाहिए जहां पर जनरल स्टोर मेडिकल स्टोर आपकी गारमेंट्स की दुकान ये सारी चीजें लॉन्ड्री या आपका डेयरी और ये सब होनी चाहिए एक या दो ब्रांड्स के अगर वर्कशॉप है तो और अच्छा है हीरो हॉन्डा टीवीएस ये ब्रांड्स के अगर आजू बाजू वर्कशॉप है एक दो पेट्रोल पंप है और जहां पे भी आप आउटलेट डाल रहे हो उसके सामने का जो रोड है वो एकदम बिजी रोड होना चाहिए सो बेसिकली प्रोविजन पॉपुलेशन पार्किंग परमिशन ये सारी चीजों का जरूरत पड़ता है जगह आपने एक बार अच्छा ढूंढ लिया तो आराम से आपका बिजनेस हो सकता है बाकी तो उसके साथ जुड़ने का आपका क्या फायदा है सेल्स एंड मार्केटिंग सपोर्ट कंटिन्यूअस मिलेगा कस्टमर एंगेजमेंट आपका होता रहेगा टाइप आपका होता रहेगा बेस्ट इन क्लास रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन प्रोग्राम हम चलाएंगे सो बेसिकली 6 आठ महीने एक साल के अंदर आपके वर्कशॉप विल बी द मोस्ट प्रेफर्ड सर्विस प्रोवाइडर हमारे केस में हमारा कोई ब्रांड रॉयल्टी नहीं है हम कोई रॉयल्टी आपसे चार्ज नहीं करते हम एक फिक्स मैनेजमेंट फीस चार्ज करते जो 5000 प्लस जीएसटी होता है हर महीने आपको ₹5900 हमको पे करना पड़ता है ये 5900 के पीछे आपके साथ हमारी पांच लोगों की टीम जुड़ती है जिनको हमको सैलरी देना जिनको आपको सैलरी नहीं देना एच आर एडमिन मार्केटिंग प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस एक्सपेंशन पार्ट्स और ये सारी चीजें आपके वहाँ पे पहुंचाना ये अलग अलग तरीके की टीम होती है जो आपके साथ जुड़ती है और ये टीम के अलावा फुल्ली लोडेड सिस्टम मतलब जो डिजिटल सिस्टम जो होता है जिसमें कस्टमर को एसएमएस जाता है ईमेल जाता है व्हाट्सएप जाता है रिकॉर्डिंग्स होता है जॉब कार्ड ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेलीकॉलिंग मैनेजमेंट सी आर एम टूल ये सारी चीजें आपको जो सिस्टम में मिलता है ये सिस्टम का वो कॉस्ट होता है तो बेसिकली ये जो मैनेजमेंट फीस है ये मैनेजमेंट फीस हम एवरी मंथ लेते हैं इसके अलावा कोई रॉयल्टी नहीं है कोई लेबर के ऊपर परसेंटेज नहीं है कोई भी आपका दूसरा कोई एक्सपेंसिज नहीं है बाकी जो भी प्रॉफिट होता है सारा प्रॉफिट आपका है सो लोकेशन आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करना साइट का सेटअप ब्रांडिंग बोर्ड टूल्स मशीनरी मार्केटिंग सपोर्ट मार्केटिंग कैलेंडर आईटी सपोर्ट ट्रेनिंग सपोर्ट ट्रबल शूटिंग हैंड होल्डिंग ट्वेंटी फोर बाई ये सारी चीजें हम आपको करके देते हैं मार्केटिंग आइडियाज की अगर मैं बात करूँ तो कुछ आइडियाज हम यूज करते हैं कुछ आइडियाज हम आपसे करवाते हैं तो बेसिकली एस एम एस व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम लीड जनरेशन कंपनीज के साथ काम करना इंश्योरेंस कंपनीज के साथ काम करना पीयूसी पेट्रोल पंप ये सारी चीजों से हम आपका ये करवाते हैं और ये सारी चीज आपको हेल्प करती है आपका आउटलेट बढ़ाने के लिए तो कुछ कुछ चीजें इसमें से हम करेंगे कुछ कुछ चीजें जैसे मैंने बताया हम आपसे करवाएंगे तो इसका आपका बेनिफिट होता है कि आपको एक फुल्ली डेडिकेटेड आपको एक ये मिल जाता है जिसका पूरा आपको बैकअप सपोर्ट और आपके बिजनेस को बढ़ाने का जो सपोर्ट है ये पूरा हम आपको करवा के देते हैं सो तो इसके अलावा जो मैं आपको टूल्स मशीनरी की बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया दो रैम पावर पैक टूल व्हील टूल बॉक्स एयर गन न्यूमैट्रिक ग्हीचपी पंप्रेशन गेज मल्टीमीटर ग्रीस गन कुछ कुछ चीजें आपको इसमें से समझ में नहीं आएगी बट मोटा मोटा मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बेसिकली ये पूरा जो आउटलेट आपका बनेगा ये आउटलेट का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपका फुल्ली लोडेड फुल्ली ऑटोमेटिक वर्कशॉप आपका बन जाता है और आपको कंप्लीट ढाई सौ से तीन सौ गाड़ी तक जाने के लिए जो भी आपको टूल्स मशीनरी चाहिए सारी मशीनरी हम आपको डे वन पे दे देते हैं सिविल इंटीरियर्स की अगर मैं बात तो पार्टीशन टाइलिंग पेंटिंग इलेक्ट्रिकल सीलिंग फर्नीचर टूल्स डिस्प्ले डिस्प्लेट चेयर ये सारी चीजें आपको आपके एक्सपेंस पे करवानी पड़ती है इसका पूरा जो फाइल होता है इसका पूरा जो आपका लेआउट होता है या फिर जो स्पेसिफिकेशंस होता है ये आपको हमारे

लोन आप लेंगे और मेट्रो सिटीज में आप हो या फिर आप मेट्रो सिटीज में नहीं हो तो रेंट आपका 15 से से होगा दो टेक्नीशियंस आपको रखने हैं जो 18 से 20 में आएंगे एक सर्विस एडवाइजर या तो एक टेलीकॉलर एक लड़की अपने को रखनी है जो मेट्रो सिटीज में बारह हजार प्लस इंसेंटिव में आएगी और नॉर्मल में अपने को एट नाइन थाउजेंड में भी मिल जाती है मिसले ने साफ पकड़िए अगर आपने लोन लिया तो उसका ई नहीं लिया तो वो नहीं आएगा टी कॉफी एक्सपेंस इलेक्ट्रिसिटी मार्केटिंग ये सब पकड़ के मोटा मोटा आप पकड़िए पंद्रह हजार से पांच हजार आपका खर्चा हो सकता है और बाइक बाइकोस्ट की मैनेजमेंट फीस फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड अगर आप बाइक हो तो चालीस हजार से अस्सी हजार का आपका महीने का खर्चा हो सकता है मोटा मोटा इसके सामने आपको इनकम क्या है तो कोई भी आउटलेट पे मिनिमम फिफ्टी सेवेंटी फाइव गाड़ी चालू हो जाती है एक महीने के अंदर एक या दो महीने के अंदर मैक्सिमम मैक्सिमम तीन महीने के अंदर तो अगर मैं सौ गाड़ी का एग्जाम्पल दू अगर एक महीने के अंदर आपको सौ गाड़ी आती है तो आपका लेबर का इनकम पार्ट का इनकम ऑयल का मार्जिन काउंटर सेल का मार्जिन वेस्ट ऑयल स्क्रैप सर्विस ये सारा इनकम मिला के अगर आपका पचहत्तर हजार का खर्चा है अगर आप मेट्रो सिटी के अंदर है तो आपको पांच हजार रुपए का लॉस भी हो सकता है बहुत सारी फ्रेंचाइजी कंपनी है जो अपने वेबिनार में 300 गाड़ी का एग्जाम्पल देती है और 300 गाड़ी में आप एक लाख रुपए कमाओगे ये ये आपको आपको बताती है हम बहुत ही आपको ये चीज़ बताते हैं कि basically, मतलब 100 गाड़ी के अंदर metro cities में आपको भी हो सकता है 100 गाड़ी के नीचे आपका लॉस 15 से बीस हजार भी हो सकता है और नॉन मेट्रो सिटी में 60 70 हजार में आपको ब्रेक इवन भी आ सकता है और इनिशियली अपना पहले तीन चार महीने के अंदर आपका और हमारा जॉइंट अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अपन कैसे भी करके एक ऑप्टिमम लेवल पे पहले आ जाए जहाँ पे अपने महीने के खर्चे निकलने लगे दो सौ गाड़ी के अंदर आपको पचास हजार आएगा तीन सौ गाड़ी के अंदर आपको लाख रुपए आएगा इसके अलावा न्यू व्हीकल यूज व्हीकल आरटीओ इंश्योरेंस एक्सेसरीज वारंटी ये सारी चीजें आप पैराल करते हो तो इसका इनकम अलग होता है बट स्पेसिफिकली छह महीने तक हम अपनी फ्रेंचाइजी को सर्विस बिजनेस के ऊपर फोकस करने की बात करते हैं छह महीने के अंदर अपना जो गुडविल बन जाता है गुडविल बनने के बाद हम आगे दूसरे बिजनेस पे फोकस कर सकते हैं तो ये बिजनेस मॉडल हो जाता है एस्टिमेटेड और मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो लोकेशन ढूंढने का रिस्पांसिबिलिटी आपका होता है 80 परसेंट जगह सेटअप करने का रिस्पांसिबिलिटी हमारा होता है 80 परसेंट ट्वेंटी परसेंट आपका भी होता है टीम को रखना रिक्रूट करना कोई छोड़ के जाता है तो उसको रिप्लेस करना ये सेवेंटी परसेंट जवाबदारी हमारी होती है बट थर्टी आपकी भी होती है ट्रेनिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है मार्केटिंग का, का आइडियाज हम आपको दुनिया भर के दे देंगे पर वो आइडिया के ऊपर अगर आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो फिर आपके आउटलेट में प्रोग्रेस नहीं होगा हम जो आइडियाज बताएंगे उसके ऊपर आपने ब्लाइंड अगर इम्प्लीमेंटेशन किया तो रेवेन्यू अपने आप बढ़ेगा तो इसके अलावा स्पेयर पार्ट ऑयल वैल वैल्यूटेड सर्विस ये सारा सप्लाई आपको सेवेंटी एटी परसेंट हमसे ही आपको मिल जाएगा क्योंकि हमको हम आपके वर्कशॉप को दस प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करेंगे हमको भी उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारी फ्रेंचाइजी के अंदर बहुत ही जेन्यून पार्ट यूज होता है डुप्लीकेट पार्ट हम आपको भेजते भी नहीं है डुप्लीकेट पार्ट हम एंटरटेन भी नहीं करते हम फ्रेंचाइजी को ना बोलते थे साथ में बिजनेस करने के लिए अगर उनको शॉर्टकट मारना है तो तो स्पेयर पार्ट ऑयल ऑयटेड सर्विस ये सारा जो पार्ट्स है वो सेवेंटी हमसे ही लेना है और जो टेक्नोलॉजी है ये पूरी 100 हमारी है देखो प्रैक्टिकली जगह आइडेंटिफाई करके इंटीरियर पे काम करवाना कोई बड़ी बात नहीं है मेन टारगेट है उसको चलाना वहां से खर्चे निकालना और अपने प्रॉफिट कमाना और उसके लिए फ्रेंचाइजी का एनर्जी इन्वॉल्वमेंट इंप्लीमेंटेशन एंथुजियाज फाइनेंशियल बैकिंग लॉस मेकिंग कैपेसिटी ये सारी चीजों का काम आता है तो बेसिकली ये पूरा इंपॉर्टेंट होता है और इसके अलावा मैं आपको हमारे विजन मिशन की बात करूं तो 100 सिटीज तक हमको जाना है 2025 तक हमको 2000 पार्टनर्स एंटरप्रनर्स बनाने हैं वी वांट टू बेट मेक वायबल सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल फ्रेंचाइज स्टोर्स हमको प्रॉफिटेबल फ्रेंचाइजी स्टोर्स बनाने हैं फोर्टी थाउजेंड मतलब हमारा फ्रेंचाइजी का ओनर उसकी पूरी टीम और इनके परिवार इनके फैमिली मेंबर्स ये सारे लोग हमारे साथ जुड़ के खुश होने चाहिए दैट इज आल्सो आवर मिशन और पचास हजार लोगों को हमको जॉब देना है डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये भी हमारा मिशन है और एक मिलियन मतलब दस लाख कस्टमर्स को हमको कैटर करना है <coughs> तो ये हमारे कुछ कुछ स्टेप्स है आप एक बार पर सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे फिर आप हमको टोकन देंगे फिर हम आपकी जगह आइडेंटिफाई करेंगे जगह आइडेंटिफाई होने के बाद आप हमको दूसरा टोकन देंगे हम आपको लेटर ऑफ इंटेंट देंगे आपका एरिया ब्लॉक हो जाएगा आपके एरिया के दो तीन किलोमीटर तक हम किसी को दूसरा एप्लीकेशन आने नहीं देंगे फिर आपका साइट सेटअप हो जाएगा आप तीसरा टोकन देंगे आप आपके तरफ से पेंटिंग कारपेंटर इंटीरियर फर्नीचर करवाएंगे हम अपने तरफ से टूल्स मशीनरी बोर्ड ब्रांडिंग कोलाट्रल स्टेशनरी ये सारी चीजें भेजें टीम रिक्रूट होगा टीम का ट्रेनिंग होगा आपका इनोग्रेशन होगा आपका पूरा पेमेंट आ जाएगा फिर इसमें हम गो लाइव करेंगे बिजली सेटअप एंड सपोर्ट डिटेल्स की के अगर मैं बात करूं तो बेसिकली मशीनरी का बोर्ड बारह बाई तीन साइज का अंदर की पूरी ब्रांडिंग स्टैंडी बैनर फ्लायर टैग स्टिकर यूनिफॉर्म डायरी विजिटिंग कार्ड लेटर हेड एनवेलप इनवॉइस बुक बिल बुक रिसिप्ट बुक ये सारी चीज आपको हमारे तरफ से मिलेगी

उसके पहले मैं वापस एक बार फ्रेंचाइजी अप्लाई टीम को धन्यवाद आप आपको ये पता चल गया चालीस हजार से अस्सी हजार आपका महीने का खर्चा हो सकता है आपको ये पता चल गया कि सौ गाड़ी के अंदर मतलब दिन की तीन गाड़ी सौ गाड़ी के अंदर मोटा मोटा आपका खर्चा निकलेगा और दो सौ गाड़ी महीने की इसमें आपको कम से कम अच्छा इनकम मिलेगा अभी इसके लिए अपना इन्वेस्टमेंट क्या है मैं वापस रिपीट कर दू इंडिया की सबसे कम प्राइस वाली फ्रेंचाइजी मॉडल हमारी है हमारे पास दो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर प्राइम एंड ऑप्शन नंबर टू एक्सेस प्राइम है 400 स्क्वायर फीट का एक्सेस है 300 से 400 के बीच में सो इसमें टूल्स एंड मशीनरी जैसे मैंने बताया अगर मैं एक्सेस मॉडल की बात करूं तो टूल्स एंड मशीनरी तीन लाख रुपए की आपको पांच लाख के अंदर 60% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज तीन लाख रुपए लोग यही चीज सात लाख रुपए आठ लाख रुपए नौ लाख रुपए में मार्केट में देते हैं और नौ लाख रुपए में बताते कि साढ़े चार लाख ,00 की टूल्स एंड मशीनरी किट है हमारा कोई कमीशन मॉडल नहीं है हम अगर तीन लाख रुपए टूल्स एंड इक्विपमेंट का दिखाते हैं तो जेन्यूनली तीन लाख ,00 रुपए का टूल्स एंड मशीनरी आपके पास आता है ब्रांडिंग की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली ब्रांडिंग में आपका बोर्ड और आपके दुकान के अंदर जितने भी आपको हम करेंगे जिसमें आपको हमारे साथ एज अ पार्टनर जुड़ना है पूरे तीन महीने का मार्केटिंग हम करेंगे और उसका कॉस्ट हम आपसे पहले से ले लेते बट आपको हमारे साथ इसमें हर एक कदम में साथ में जुड़ना है

One, जो हमारा प्राइम है उसमें कुछ कुछ मशीनरी आपको ज्यादा मिलती है बी एस सिक्स के टूल मिलते हैं इलेक्ट्रिक का चार्जिंग स्टेशन मिलता है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का टूल्स मिलता है इलेक्ट्रिक की सर्विसिंग आप कर सकते हो तो वो आपको प्राइम ऑप्शन में मिलता है प्लस आपको थोड़ा बोर्ड का साइज ब्रांडिंग का साइज मिलता है कोलेटल स्टेशनरी सिमिलर है मार्केटिंग का सपोर्ट दो महीने और एक्स्ट्रा मिलता है और बाकी सारा फ्रेंचाइजी फीस और वो सेम है एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा जो आपको 5,900 हमको हर महीने देना है जिसका साल का टोटल सत्तर हजार होता है वो अगर आप उनको ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर 53,100 आप एक साथ दे देते हो तो जीएसटी के साथ पकड़ के आपका एक साल का मैनेजमेंट फीस भी आ जाता है तो वो एक साल आपकी जो मैनेजमेंट फीस होती है उसमें आपको हमको अलग से कुछ पे नहीं करना पड़ता है बेसिकली वो आप हम, हमको दे देते हो तो आपका कम से कम सत्रह हजार रुपए वहां पे भी बढ़ जा बच जाता है और मैंने जो बताया फ्रेंचाइजी फीस छोड़ के बाइक दोस्त का कहीं पे भी कमीशन मॉडल नहीं है जो भी चीज आप हमको पे करते हो हम अपने वेंडर्स को दे देते हैं ये ओवरऑल बिजनेस मॉडल में पांच से छह महीने के अंदर आपका ऑपरेशनल ब्रेक इवन आ जाता है और पंद्रह से अठारह महीने के अंदर आपका पूरा इन्वेस्टमेंट रिटर्न आ जाता है जो चार लोगों की टीम बनानी पड़ती है जो दो टेक्नीशियन एक टेलीकॉलर और एक मार्केटिंग का बंदा दो टेक्नीशियन तो हम मेजरली आपको ढूंढ के देंगे बट मार्केटिंग का बंदा और टेलीकॉलर हम इंसिस्ट करते हैं कि आप आपके सोशल सर्कल से हमको लाके दें क्योंकि आपका जो मार्केट में आपका पहचान है आपका जो फैमिली है आपका जो बैकग्राउंड है वहां पे अगर मान के चलो कोई एक लड़की हमको मिल जाती है आपके मतलब अपने फैमिली की कोई लड़की जो तीन चार पांच साल अपने साथ जुड़ के रहे और एक मार्केटिंग का बंदा अपने को मिले जो छह महीना एक साल अपने साथ जुड़ के रहे ये आपको सोशल अगर सर्कल से हमको हाँ आपके पास अगर कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है तो हम आपको ढूंढ़ तो दोनों मॉडल में इंटीरियर का खर्चा सिविल वर्क का खर्चा आउटलेट का डिपॉजिट ये इंक्लूड नहीं होता है तो आपको जो पेंटिंग कारपेंटर फर्नीचर प्लम्बर ये जो आपको काम करवाना है वो ये कॉस्ट के ऊपर है और कम से कम लाख रुपए अपने को अपने पास एज अ वर्किंग कैपिटल रखना चाहिए अपने अपने को सेव करके रखना चाहिए सो so जब भी अपना बिजनेस डेवलप होता है तीन चार महीने छह महीने तक अपने को वो एक लाख रुपए यूज होता है जो वर्किंग कैपिटल होता है तो ये दोनों इन्वेस्टमेंट पांच लाख छह लाख के ऊपर है बाकी मार्केटिंग सपोर्ट ट्रेनिंग ऑडिट हैंड होल्डिंग आपको साथ देना सपोर्ट करना ये दोनों मॉडल में सिमिलर है तो इतना बता के मैं मेरा वेबिनार एंड करूंगा आई होप आपको वैल्यू मिला होगा आई होप आपको एक अच्छा बिजनेस मॉडल समझ में आया होगा और आपको ये पता चला होगा कि बिजनेस इंडिया में कैसे चलता है पूरा बाइक सर्विस सेंटर का बिजनेस मॉडल इंडिया में कैसे होता है आप आप बाइक दोस्त के साथ जुड़े ना जुड़े आपका हम हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ रहेगी और डेफिनेटली आप जुड़ेंगे तो साथ में मिलके हम बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छे से ये बिजनेस को रन करेंगे uh, एक शो एंड करने के पहले मैं आपको एक छोटा वीडियो दिखाना चाहूंगा जो हम uh, अपने पूरे फ्रेंचाइजीज के लिए अलग 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 वीडियोस बनाते रहते और यूज करते रहते मैं एक छोटा वीडियो दिखाऊंगा वो आप देख सकते हैं फिर अपन क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए ओपन करेंगे थोड़े फनी वीडियोज हम बनाते रहते हैं पार्ट सर्विस के एंगल से so thank you so much everyone uh, have a good evening or uh, abhi we can open for question and answers uh, ashok sir we can continue with question and answers thank you